सेंसिटिविटी रिएक्शन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हम अभी तक बोल के देखो हिपेरिन हमने क्या बोला, ये मास्ट सेल लीवर लंग और इंटरनल म्यूकोसा, मगर आप इंसान के अंदर से तो नहीं निकाल सकते, अगर किसी को देना है तो इंसान के अंदर से तो निकाल सकते। बोले फिर सर अगर हम जो भी मोस्ट कॉमन यही सेम चीज हम इंसुलिन में भी करते हैं, इंसुलिन इंसुलिन में भी कहां निकालते हैं, बुवेन लंग, बुवेन से, बुवेन यानी क्या, बुवेन का मतलब होता है काउ, लेटिन वर्ड में बुवेन काउ को लेटिन में हम क्या बोलते हैं, बुवेन बोलते हैं, ठीक है। तो उसके लंग्स या पॉर्केन यानी क्या, पॉर्केन आप समझ, सुअर बेरा या इन सबसे पिग, तो इनके लंग्स इंटेस्टाइन और इन सबसे निकालते हैं, क्योंकि ये बायोलॉजिकल अपने इनसे सेम स्ट्रक्चर्स मिलते हैं, इंसुलिन भी यहीं से निकालते हैं, इंसुलिन भी इन्हीं के इनसे निकालते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, अब सीधी बात है हम सेंसिटिविटी तो होंगे क्योंकि हम किसी भी बिकॉज ऑफ इट्स एनिमल ऑरिजिन, तो ये हमारे बॉडी में रिएक्शन तो करते हैं, इसलिए इंसुलिन भी रिएक्टिव करती है। अब इसी वजह से हमें जरूरत पड़ी कि हमने सिंथेटिक वाली बनाई, थर्ड क्लासिफिकेशन याद आ रहा है, हमने पहला हेपेरिन, दूसरा लो मॉलिकुलर वेट हेपेरिन, तीसरा सिंथेटिक हेपेरिन, इसलिए हमें सिंथेटिक वाली बनानी पड़ी क्योंकि इनकी सेंसिटिविटी रिएक्शंस बहुत ज्यादा थी। थर्ड क्या होगा, थर्ड बने थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, अभी मैं आपको बता चुका हूं पूरा का पूरा, ये सबसे ज्यादा खतरनाक रिस्पॉन्स हो जाता है एंटीकोगुलेंट देने पर एबनॉर्मली बहुत ज्यादा। तो क्या मैं बोल रहा हूं, हेपेरिन इंड्यूस्ड प्लेटलेट एग्रीगेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ एंटी प्लेटलेट एंटीबॉडीज, क्या बोल रहे हैं, जैसे आप हेपेरिन देते हो ये क्या एग्रीगेट उनको एक जगह पर तो खट्टा करवा देते हैं, जो सब जगह एक जगह पर खट्टा करा के और उनके खिलाफ एंटी प्लेटलेट एंटीबॉडीज बना देते हैं, वो हमारी बॉडी के अंदर की जो प्लेटलेट्स है उनको मारना स्टार्ट कर देती है, क्योंकि हमें पता है क्योंकि जितनी भी कोगुलेशन वाली प्रॉपर्टीज चल रही है वो सब कुछ प्लेटलेट्स के अंदर ही चल रही है, तो ये थोड़ा भी ज्यादा अमाउंट में दिया वो एंटी प्लेटलेट एंटीबॉडी बना देगा और हमारी प्लेटलेट को डिस्ट्रॉय करने लग जाएगा, उससे हमें हो जाएगा थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। तो और ये हमें ध्यान रखना, इसलिए हमने मॉनिटरिंग वर्ड यूज करा था कि जैसे ही आपको लगे कि पेशेंट की प्लेटलेट्स गिर रही हैं तुरंत की तुरंत हेपेरिन को रोकिए, हेपेरिन शुड बी स्टॉप इमीडिएटली एट द फर्स्ट साइन ऑफ थ्रोम्बोसिस। एलोपेसिया भी देखा गया, एलोपेसिया यानी बाल झड़ना, अब ये बहुत बड़ी चीज होती है, बहुत से लोग समझते हैं कि एलोपेसिया प्रॉपर, एलोपेसिया का मतलब प्रॉपर ये होता है कि पेचेस में बाल झड़ना, पेचे नहीं गुच्छों में एक एक जगह के कंटिन्यूटी में पूरे बाल झड़ जाए, पूरी ओवरऑल झड़ रहा है तो उसको फिर इतना ही बोलते हैं, उसको बाल्डनेस बोलते हैं। एलोपेसिया का प्रॉपर मतलब होता है कि एक जगह पर कोई पर्टिकुलर आपके एकदम पेचेस, जैसे कैंसर वाले पेशेंट्स में कोई पर्टिकुलर एक जगह पर ही पूरे बाल झड़े जा रहे हैं, एक एक जगह पर दिख रहा है, उसको एलोपेसिया बोलते हैं। मगर वो ये देखा गया है, रीजन अभी अननोन है, रीजन अननोन है, अभी इस पे बहुत रिसर्च चल रही है, मगर अभी इतना प्रॉपर नहीं पता चला कि परफेक्ट रीजन क्या है, मगर ये प्रोसेस रिवर्सिबल है, हो जाती है मगर प्रॉपर फिर इयर्स बाद में आ जाते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपोरोसिस होना स्टार्ट हो जाता है अगर आप हेपेरिन लॉन्ग टर्म यूज में ले रहे हैं। अब आपको सोचोगे सर ऑस्टियोपोरोसिस कैसे होता है, एक प्रोसेस बॉडी में आपको चलती है, मैंने आपको बताया कि सिर्फ और सिर्फ न्यूरॉन्स छोड़ के आपके बॉडी में हर सेल बन रहे हैं और टूट रहे हैं, न्यूरॉन्स आपके एक बार बन चुके हैं दोबारा कभी नहीं बनेंगे, मगर बॉडी के हर सेल्स मर भी रहे हैं और बन भी रहे हैं। इसी तरीके से बोन्स भी आपकी क्या होती है, हर टाइम टूट भी रही है और बन भी रही है, और हेपेरिन मालूम क्या करता है, हेपेरिन रीअब्जॉर्प्शन को इंक्रीज कर देता है, उससे मालूम क्या होता है, वो आपके बोन्स में दो प्रोसेस चलती है, पहली प्रोसेस चलती है ऑस्टियोक्लास्ट, ऑस्टियोक्लास्ट, और दूसरी प्रोसेस चलती है ऑस्टियोब्लास्ट, ये दोनों एकदम म्यूचुअल प्रोसेस चलनी चाहिए। क्लास्ट का मतलब क्या होता है, बोन का टूटना, रिमूव बोन, जो पुरानी बोन है जो पुराने सेल्स होगा उनका टूट के निकलना, ऑस्टियोब्लास्ट का बोले न्यू सेल्स का आना, इसमें पुराने सेल्स का ओल्ड सेल्स का जाना और न्यू का आना, ये एकदम एकदम म्यूचुअल चलनी चाहिए। मगर हेपेरिन मालूम क्या कर देता है, हेपेरिन जो ओल्ड सेल्स है उनको उनकी स्पीड इंक्रीज कर देता है, जल्दी जल्दी निकलता है और ओल्ड सेल्स की डिक्रीज कर देता है, इससे क्या होगा, बोन टूटेगी तो जल्दी जल्दी मगर जल्दी जल्दी बनेगी नहीं, इससे उस वो क्या बोन कमजोर हो जाएगी, पोर्स बन जाएंगे, तो ऑस्टियोपोरोसिस क्यों बना, क्योंकि उसने रीअब्जॉर्प्शन की प्रोसेस को डिस्टर्ब कर दिया, उसने ऑस्टियोक्लास्ट की प्रोसेस को बढ़ा दिया और ऑस्टियोब्लास्ट की कम कर दिया। ऑस्टियोपिनिया जो एक वर्ड सुना होगा, ऐसे बहुत सारे, वो सब इन्हीं वजह से होते हैं। कॉन्ट्राइंडिकेट कहां कहां नहीं देना, अभी तो सीधी सी बात है, ब्लीडिंग किसी पेशेंट को ब्लीडिंग डिसऑर्डर है ऑलरेडी तो उसको तो दे नहीं सकते और एग्रीवेट हो जाएगा। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया किसी की प्लेटलेट्स का में क्या उसमें दे दोगे। हीमोफीलिया, हीमोफीलिया तो आप जानते हो जेनेटिकली जीन म्यूटेशन डिसऑर्डर है सबसे मोस्ट कॉमन, और हीमोफीलिया वर्ड नाम सुनते हो तो बहुत सारे
क्लास 11th याद आता होगा, सीवियर हाइपरटेंशन। अब ये वाला वर्ड क्यों आया, इससे आपको एक इसका यूज भी पता चलेगा। बोले अगर किसी पेशेंट को हाइपरटेंशन है तो ये नहीं देना। क्यों नहीं देना? क्योंकि इससे ब्लड पतला होता है, ब्लड थिन होता है, क्लॉट। क्योंकि मैंने बोला कि जो नॉर्मल कोगुलेशन की प्रोसेस क्या थी कि लिक्विड को जेल में कन्वर्ट करता है, तो ये उल्टा करेगा, तो ये जो आपका नॉर्मल ब्लड होता है ना उसको भी और पतला कर देता है। और पेशेंट को अगर हाइपरटेंशन हुई और ब्लड आप और पतला कर दो तो पेशेंट की हाइपरटेंशन कितनी ज्यादा बढ़ जाएगी, इवन डेथ भी हो सकती है। तो अब इससे ये चीज और बहुत प्यारी निकल के आ गई कि अच्छा हाँ, तो जिन पेशेंट की लो बीपी रहती है तो उनमें फिर हम ये दे सकते हैं। तो बिल्कुल देते हैं, जो ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग, जो आप ओरल वाले पढ़ेंगे एंटीकोगुलेंट ड्रग्स, वो आप किस में देंगे? वो आप उन्हीं पेशेंट्स में देंगे जो लो बीपी वाले, बहुत और भी कई में देंगे, लेकिन लो बीपी वाले पेशेंट्स में भी दिया जाता है, या भी जिनको ब्लड थिनर की जरूरत है वहां भी ये दिया जाता है। गट अल्सर्स वगैरह क्यों, इन सब में नहीं देते, ठीक है। रेनल फेलियर वगैरह क्यों नहीं? क्योंकि क्योंकि ब्लड पतला होगा, फ्लूड बढ़ेगा, किडनी पर लोड बढ़ेगा, तो किडनी ऑलरेडी क्या, किडनी पहले ही फेल्ड है, आप लोड और बढ़ा देंगे तो पेशेंट की डेथ भी हो जाएगी। अब जो आपने हेपेरिन पढ़ा उसी का सब्स्टिट्यूट टाइप होता है लो मॉलिकुलर वेट। आपका जो हेपेरिन निकाला जाता है वोविन वगैरह से, उन्हीं उन्हीं का जो मॉलिकुलर वेट है वो कम करके आपको दे देते हैं। बोले सर कि फिर लो मॉलिकुलर वेट हमने क्यों लिया? क्योंकि अब जितना भी आप क्लासिफिकेशन नीचे पढ़ते जाएंगे वो सब की सब आपके एडवर्स इफेक्ट के कम करने के लिए, कम करने के लिए। तो लो मॉलिकुलर वेट यानी ये ओवरऑल क्या है, जो छोटे मोटे काम की अगर बॉडी में जरूरत है, लो छोटे लो है ना, उनके लिए। और सबसे बड़ी चीज लॉन्गर एक्शंस के लिए, क्योंकि देखो एक चीज याद रखो, कभी भी दो चीजें एक साथ नहीं होती। क्या कि जो फास्ट एक्शन कर रहा है वो हमेशा शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होगा, और जो स्लो एक्शन करेगा वो लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होगा। तो हेपेरिन बहुत फास्ट एक्शन करता है। तो हम क्या बोल रहे हैं कि लो मॉलिक्यूलर वेट मतलब क्या, जो नॉर्मली हेपेरिन है बस उसी की, उसी को क्या कर देना, उसी का जो मॉलिक्यूलर वेट है उसको कम कर देना। किस लिए कम कर देना? क्योंकि ये भले थोड़ा सा स्लो एक्ट करे मगर थोड़ी एक लॉन्गर एक्शन के लिए करे, ठीक है। अगर लॉन्गर एक्शन होगा तो एडवर्स इफेक्ट भी कम रहेंगे, ठीक है। जो जितनी जल्दी काम करेगा उसके एडवर्स इफेक्ट भी उतनी ज्यादा मिलने वाले हैं, और उतनी कम समय के लिए काम करेगा। इसके अंदर क्या, इनोक्सोपेरिन, डेंटीपेरिन आर लो मॉलिक्यूलर वेट हेपेरिंस व्हिच हैव लॉन्गर एक्शन, लोअर रिस्क ऑफ थ्रो, अब वो ही जो है एडवर्स इफेक्ट्स इसके, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया पर सबसे बड़ा, एज वेल एज लोअर रिस्क ऑफ ब्लीडिंग व्हेन कंपेयर टू स्टैंडर्ड हेपेरिन प्रिपरेशन, ठीक है। अब यहाँ पर एक बहुत आपको एक चीज बतानी, आप लोग एक वर्ड जानते हो क्या, बोले पल्मोनर, एक थ्रोम्बस वर्ड होता है, थ्रोम्बस बन जाना, और सबसे ज्यादा आपको ये मिलता है क्या, जैसे आपने पढ़ा होगा वेरिकोज वेन, वेरिकोज वेन आपने देखी होंगी, इस तरीके से। इसमें हुआ क्या, यहां पर जो वेन्स है इनके अंदर ये ब्लड है, ये क्लॉट की फॉर्म में, छोटे छोटे से क्लॉट की फॉर्म में क्या हो जाता है, खट्टा हो जाता है छोटे छोटे। अब यही क्लॉट अगर इस जगह पर, तो इसको तो आप थ्रोम्बस बोलते हो। कोई भी क्लॉट अगर अपनी जगह पर, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इसी जगह पर, कहीं भी हो अपनी जगह पर, तो उसको थ्रोम्बस बोलते हैं। अगर वो ब्लड अगर वो ट्रेवल करके पहुंच जाए, तो उसे फिर अगर वो ट्रेवल करके कहीं और पहुंच के स्ट्रक्चर को खराब कर दे, उसको बोलते हैं एम्बोलस। और ये अगर ये वाले थ्रोम्बस की बात करें तो ये मोस्ट कॉमन लंग्स तक पहुंच जाते हैं, उसको बोलते हैं पल्मोनरी एम्बोलिज्म। वहां पर लंग्स में जाके, और लंग्स में और हार्ट में मोस्ट कॉमनली पहुंच जाते हैं, क्योंकि हार्ट को ही तो ब्लड पंप करना है, और ब्लड डिऑक्सीडेट होने जाएगा कहां, लंग्स में। तो ये क्लॉट ट्रेवल करके लंग्स तक पहुंच जाते हैं, और वहां पर जो छोटी छोटी वेन्स आर्टरीज, छोटी छोटी वेन्स आर्टरी होती है उनमें जाके ब्लॉक कर देते हैं, और ब्लॉक एक बार कर दिया तो उस पर्टिकुलर पार्ट पर क्या नहीं पहुंचेगी, ब्लड नहीं पहुंचेगा, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, तो पर्टिकुलर पार्ट क्या, इन्फार्क्ट हो जाएगा और खराब हो जाएगा। तो अब एक बात याद रखना है, ये थोड़ी सी लोगों को मिसकनफेक्शन बहुत ज्यादा रहती है, कि जब भी जो एंटीकोगुलेंट्स हैं वो इसके ट्रीटमेंट में नहीं दिए जाते, इसके प्रिवेंशन में दिए जाते हैं। अब आप पूछोगे सर इसका मतलब क्या, देखो ट्रीट यहां पर एक, अभी जब नोट्स पढ़ोगे वहां ट्रीटमेंट वर्ड आएगा, वो ट्रीटमेंट वर्ड है प्रिवेंटर के रिस्पेक्ट में। यानी अगर आपको लगता है कि कुछ ऐसे पेशेंट्स हैं जो क्या, जो बेड रिडन है, क्योंकि आपको पता है मोस्ट कॉमन जो बेड रिडन पेशेंट है, स्ट्रोक वाले हैं, फ्रैक्चर हो गए, जो भैया महीनों तक बेड पर डले रहेंगे, हमें पता है कि आप महीनों तक बेड पर डले हैं, पैर नहीं चला रहे हैं, तो पैर नहीं चलाने की वजह से, ग्रेविटी की वजह से ब्लड नीचे इकट्ठा होने लग जाएगा,
और ब्लड अगर नीचे खट्टा होगा तो वो क्लॉट की फॉर्म में बनने लग जाएगा, तो वो हमें पता है। तो ये हमारा काम होता है, हमें पता है कि पोस्ट ऑपरेटिवली पोस्ट स्ट्रोक पेशेंट आफ्टर फ्रैक्चर, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है कि हम थ्रोम्बस ना बनने रहे, इसलिए हम पर्टिकुलर उनको उनके जॉइंट्स एक्सरसाइजेस कराते भी रहते हैं। तो जब भी आप ये डॉक्टर्स उनको ड्रग प्रिस्क्राइब करते हैं, इसलिए आप जब भी आप देखें पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट, ये ड्रग आपको प्रिस्क्रिप्शन में होगा। क्यों होगा? क्योंकि अगर पेशेंट को, अगर डॉक्टर को पता है ये पेशेंट अब एक एक दो दो महीने तक बेड रिडन होने वाला है, तो उसके थ्रोम्बस बन सकते हैं, तो उसमें आप फिर ये देंगे। क्यों? क्योंकि क्लॉट ही तो बन रहा है, ये जब नीचे खट्टे होकर ग्रेविटी की वजह से ब्लड खट्टा हो जाता है, और खट्टे होने की वजह से छोटे छोटे थ्रोम्बस की फॉर्म में, गांठों की, खट्टों के गांठों की फॉर्म में खट्टा हो जाता है। और मैंने अभी बात करी कि जो एंटीकोगुलेंट है वो क्या, वो किस क्लॉट को नहीं बनने देंगे, प्लस ब्लड थिनर है तो वो ब्लड को प्रॉपर तरीके से क्या कर देंगे, सर्कुलेट भी होने देंगे, ठीक है। लेकिन अब आप एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन आ रहा है सर कि फिर अगर ये नहीं दे रहे, तो ये क्वेश्चन है कि अगर ऑलरेडी प्रेजेंट है और हमने तो दे, अगर हमने उसके बाद दे दिया, फिर पुलिस के बाद दे दिया, तो आप उस पेशेंट को और मरने की तरफ ढकेल दोगे। क्यों? क्योंकि ये यहाँ पर बन चुकी है क्लॉट छोटे छोटे से, और आपने एक बार ब्लड थिनर दे दिया तो क्या हो जाएगा, ब्लड ये वाले क्लॉट इजिली जो यहाँ पर रखे हुए थे, जो ठीक है, जो शांति से बैठे हुए भी थे, आप उनको ट्रेवलिंग करवा दोगे, ब्लड पतला हो जाएगा, ये इजिली ट्रेवल कर जाएंगे, और किसमें, एम्बोलिज्म में बन जाएंगे, कहीं भी कोई भी आर्टरी वेन ब्लॉक कर देंगे। तो ये प्रिवेंशन के रूप में देना है, ना कि ट्रीटमेंट के रूप में, ये ध्यान रखना। मतलब एक जगह पर एक्यूमुलेट हो जाता है, एक जगह पर एक्यूमुलेट, किसी ने खट्टा पूछा, मतलब सॉरी हिंदी वर्ड बोला, एक जगह पर क्या ब्लड एक्यूमुलेट हो जाता है, यहाँ पर क्या हो रहा है वेन्स में, और ये होता है जल्दी जनरली ओल्डर एज में, और ये ओल्डर एज में भी नहीं, ये मोस्ट कॉमन इसलिए होता है क्योंकि ड्यू टू नॉन मोबिलाइजेशन, आप नहीं, जब कम चलते हैं तो ग्रेविटी की वजह से ब्लड नीचे क्या हो जाता है, एक जगह एक्यूमुलेट हो रहा है, और इन वेन्स में छोटी छोटी वेन्स यहाँ फंस जाता है ऊपर सर्कुलेट होके, क्योंकि आपको पता है ब्लड सर्कुलेट होना है ऊपर, मगर क्या है, आप मोबिलाइजेशन तो करते नहीं है, तो कंटिन्यूसली एंटी ग्रेविटी इफेक्ट की वजह से ब्लड वहां पर क्या एक्यूमुलेट होने लग जाता है। तो हमेशा याद रखना कि ट्रीटमेंट में क्या, एज कम्पेयर टू ट्रीटमेंट का यहाँ मतलब है कब, कि जब पोस्ट स्ट्रोक, जब पेशेंट हमें पता है कि बेड रिटर्न होने वाला है, तो उसके ट्रीटमेंट में ये दीजिए। क्यों? क्योंकि बेड रिटर्न पेशेंट की कॉम्प्लिकेशन थ्रोम्बस होती है। आप थर्ड ईयर पढ़ेंगे, कोई भी न्यूरो और तो कोई भी न्यूरो के जितने पेशेंट होते हैं जो बेड रिडन है, उनकी कॉम्प्लिकेशन ये मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है। तो इस कॉम्प्लिकेशन से बचाने के लिए उसके ट्रीटमेंट में ये दिया जाता है, ना कि इसके ट्रीटमेंट में कि ये हो चुके हैं अब ये दे दो। अगर आपने तब ये दे दिया तो अगर आप कुछ समझ रहे कि ब्लड थिन हो जाएगा और ये इजिली ट्रेवल कर जाएंगे और आप पेशेंट के लिए मुश्किल खड़ी कर देंगे, तो ये बात बिल्कुल याद रखना है, ठीक है। तो दीज आर यूज फॉर दी प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ डीप वेन थ्रोम्बस एंड पल्मोनरी एम्बोलिज्म। तो यहां पर लाइन थोड़ी मिसकंसेप्ट करती है, ध्यान रखना। प्रिवेंशन का मतलब क्या, प्रिवेंट करके रखने के लिए, ट्रीटमेंट का मतलब है कि जो पोस्ट स्ट्रोक और उन सब के कॉम्प्लिकेशंस ना हो जाए उनके ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है। तो आपसे कोई पूछे कभी भी तो माइंड में याद रखना, और बिल्कुल आंसर पता होना चाहिए कि डीप वेन थ्रोम्बोसिस के उसके ट्रीटमेंट में क्यों नहीं दे सकते, क्योंकि अब हम खुद बात करके आ रहे हैं कि ब्लड थिनर है, ये ट्रेवल करवा देंगे और थ्रोम्बस को इजीली एम्बोलिज्म बना देंगे, ठीक है। तो इसमें आपको ध्यान रखना। और ये इसके लास्ट वन, सेकंड लास्ट, सिंथेटिक हेपरिन डेरिवेशन। ये आप समझ गए होंगे कि ये वाले क्यों बनाने पड़े, ये इसलिए बनाने पड़े क्योंकि उनकी हाइपर सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा हेपरिन की, जो बॉडी के अंदर से निकाल रहे थे। तो ये वाले क्या, ये बाहर क्या लेबोरेटरी में बनाए जाते हैं, यानी इसका मोस्ट कॉमन एग्जांपल है फोंडापेरिनॉक्स इज लॉन्गर एक्टिंग, रिस्क ऑफ थ्रोम्बोसाइटोपेनिया इज लेस एंड डज नॉट रिक्वायर फ्रीक्वेंट मॉनिटरिंग। इसमें क्या है, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया के सबसे कम से कम चांसेस होते हैं। सर हमने तो चाहिए कि वो कॉग्युलेट ना हो, तो वही तो मैं आपसे बोल रहा हूँ, किसी के फिर वो मैं वही बोल रहा हूँ कि अगर एक बार क्लॉट बन गया तो उसको आप तोड़ नहीं सकते, फिर तो ये उसको तोड़ नहीं पाएगा, ये बनने से रोकता है। हमेशा याद रखो एंटीकोगुलेंट्स क्लॉट बनने से रोकते हैं, बनने के बाद उन्हें ठीक नहीं करते, ये क्लॉट क्या कर रहे हैं, बनने से रोकेंगे। अब ऐसा नहीं कि जो चीज बन चुकी है उस पर उनका कोई रोल नहीं है, जो बन गई वो बन गई, लेकिन ये बनने से रोक, इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर एक बार क्लॉट बन गया तो ये कुछ नहीं कर पाएंगे, और अगर नहीं बने उसके लिए हमें ना देना है।
तो इस ठीक है। और एक हमारा लास्ट है डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर्स, ये क्या है, सीधी सी बात है, मैं अभी आपको हेपरिन की बता चुका था, हेपरिन में हम पढ़ के आए थे कि वो जो मेजर रोल प्ले कर रहे थे वो कहां कर रहे थे, वो कर रहे थे एंटी थ्रोम्बिन थर्ड पर, जो बहुत जगह पर, लेकिन ये डायरेक्टली इधर उधर की बात है नहीं करता। उसने बोला कि सीधा सा काम है कि जो प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होता है सीधा वहीं रोक दो, कोई ऊपर जितने सारे वो बहुत सारे एंजाइम्स को रोक रहा था, हमने सेकंड पढ़ा है, वो थ्रोम्बिन से प्रोथ्रोम्बिन प्लस वो 9 को भी रोक रहा था, 10 को भी रोक रहा था, ये इधर उधर की बात नहीं करता। बोला कि सीधा ऊपर जो प्रोसेस चलनी है चलने दो, हमें फर्क नहीं पड़ता, हम सिर्फ प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन को नहीं बनने देंगे, खत्म बात। यानी एर्ग्यूटम है पर रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन एंड प्रेडिक्टेबल एब्जॉर्प्शन, बहुत रैपिड ऑनसेट होता है, क्यों, ऊपर की जो प्रोसेस चल रही है चलने दो, तुरंत एक स्टेप को रोक दो, काम खत्म, ठीक है। इसकी भी फ्रिक्वेंटली मॉनिटरिंग नहीं है क्योंकि एडवर्स इफेक्ट इसके कम से कम है। एक वर्ड आता है हिपेरिन एंटागोनिस्ट, व्हाट इज हिपेरिन एंटागोनिस्ट। अब देखो कोई भी चीज हमें पता है कि हिपेरिन अगर आपने थोड़ी भी ज्यादा क्वांटिटी में दे दी, बहुत सारे एडवर्स इफेक्ट आ रहे थे थ्रोम्बोसाइटोपिन, तो अब उसको रोकोगे कैसे उन इफेक्ट को, क्या करोगे, तो फिर भैया फिर हम हिपेरिन एंटागोनिस्ट देंगे, यानी हमें अब हम ऐसे ड्रग देंगे जो बॉडी में हिपेरिन जो हमने दे दिया उसकी क्वांटिटी को कम करें, समझ रहे हैं। यानी ये ड्रग कब देने, कि जब हिपेरिन बॉडी में हमने एबनॉर्मली ज्यादा दे दिया और हमें बहुत एडवर्स इफेक्ट दिख रहे हैं, तो हमने एडवर्स इफेक्ट को खत्म करना है तो हम एंटागोनिस्ट देंगे, यानी क्या उसका एक नाम याद रखना, प्रोटामिन सल्फेट। ये भी एक तरह की प्रोटीन है क्योंकि हिपेरिन भी प्रोटीन थी, हम पहले ही पढ़ चुके हैं ना, एंटी हिपेरिन भी प्रोटीन है, ये भी प्रोटीन है जो का कुछ फिश के स्पर्म में मिलती है, इसको हम इंट्रावीनस दे देते हैं और ये हिपेरिन को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, यानी क्या ये एंटी हिपेरिन हो गई, इसको न्यूट्रलाइज कर देगी, जिससे जो आपके एडवर्स इफेक्ट आ रहे हैं यानी हिपेरिन का जो ओवरडोज आपके अंदर चला गया उससे आपको बचा सकती है। ओरल एंटीकोगुलेंट्स, इसमें आपको दो पढ़ने हैं, क्या बिसहाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन वाज द फर्स्ट ओरल एंटीकोगुलेंट टू बी आइडेंटिफाइड। इसके अंदर एक और नाम पढ़ा था हमने, क्या बारफेरिन सोडियम, बाय हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन नाम याद रहे ना रहे लेकिन बारफेरिन सोडियम जरूर याद रखना, कौन सा बारफेरिन, ये रहा बारफेरिन सोडियम, ये नाम याद जरूर आपको रह जाएगा, ठीक है। और ये सब जगह आपको बारफेरिन सोडियम ही देखने को मिलता है ओरल एंटीकोगुलेंट्स में जनरली, मैनी ऑफ देम आर, क्योंकि ये सबसे पहले बनाया गया था, मगर सीधी सी बात है जो पहले बनता है उसमें मॉडिफिकेशन हो गया, मोर मोस्ट एडवांस फॉर्म आ गई है, वो कौन सा है, बारफेरिन सोडियम है। और ये जनरली मालूम का अब ऐसे बहुत सारे ओरल एंटीकोगुलेंट्स जो रेड पॉइजन के लिए यूज करे जाते हैं। अब आप सर कुछ बोले रेड पॉइजन कैसे काम करते हैं, मैंने फिर बोला कि ये क्या करते हैं, ब्लड को थिन करते हैं, इसलिए अपन इनको आगे पढ़ेंगे भी कि लो बीपी में भी दिए जाते हैं ये एंटीकोगुलेंट्स वगैरह, ये ब्लड को, तो आप इनको बहुत ज्यादा एक्सेसिव अमाउंट में, जो आप रेड पॉइजन आता है ना उसके अंदर यही डला होता है, बहुत एक्सेसिव अमाउंट में डला होता है, तो वो ब्लड उनके अंदर इतना थिन कर देते हैं कि ब्लड जिनके नाक कान सब जगह से बाहर निकलने लग जाता है और हार्ट पर लोड पड़ जाता है सब जगह और सबको सिस्टम फेलियर हो जाता है, ठीक है। तो याद रखना है ये उनके अंदर हो रहा है, अगर हमने भी एक्सेसिव अमाउंट में ले लिया तो हमारे अंदर भी हो सकता है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, वही सारी चीज है कि ओरल एंटीकोगुलेंट्स प्रिवेंट्स द सिंथेसिस, मैंने फिर वही बात बोली थी, क्या बोली थी, कि विटामिन के कैल्शियम सर्टेन एंजाइम ये भी उन्हीं को रोकेगा, ठीक है, सिंथेसिस, तो ये विटामिन के को रोकता है मेनली, जो हिपेरिन पढ़ के आए थे वो एंजाइम्स को, और जो ओरल एंटीकोगुलेंट है ये विटामिन के को रोकता है। अब विटामिन के का काम कहां होता है, विटामिन के क्लॉटिंग फैक्टर नंबर सेकंड थर्ड नाइन्थ और टेंथ को एक्टिवेट करने में काम आता है, अगर ये विटामिन के की क्वांटिटी को कम कर देगा तो ये फैक्टर एक्टिवेट नहीं हो पाएंगे, यानी ओरल एंटीकोड प्रिवेंट द सिंथेसिस ऑफ विटामिन के डिपेंडेंट क्लॉटिंग फैक्टर सेकंड थर्ड नाइन्थ एंड टेंथ इन द लीवर। इसका ऑनसेट कैसा होगा, स्लो होगा, सीधी सी बात है ओरल है, ऑनसेट ऑफ एक्शन इज स्लो इज डेवलप, और अब इसमें इसको क्या इसके फंक्शंस होने में 1 से 2 दिन लगते हैं। अब आप पूछोगे सर 1 से 2 दिन क्यों लग रहे हैं, क्योंकि देखो हम अभी तक बात करके आए थे बाकी सब काम कर रहे थे क्या एंजाइम्स एंजाइम्स को रोकने में, ये विटामिन के की क्या करते हैं, विटामिन के को कम करते हैं, मगर जो ऑलरेडी बॉडी में अब जितना विटामिन के प्रेजेंट है, जितना बॉडी में विटामिन के है जो उन क्लॉटिंग फैक्टर के लिए जरूरत है, तो उतना तो अभी 1-2 दिन तक रहेगा ना, यानी उतनी प्रोसेस तो चल जाएगी ना, ये पहुंचेंगे जब धीरे धीरे काम करेंगे उसकी क्वांटिटी को कम करेंगे तब जाके वो प्रोसेस आगे के लिए स्लो होगी, स्टार्टिंग में तो इतनी क्वांटिटी एकदम तो सडन गिरा नहीं दोगे, धीरे धीरे गिरेगा, तो जितना तब तक बचेगा वो तब तक उसके लिए वर्क करेगा,
the onset of action is slow, it develops over 1 to 3 days. Because तो इसके लिए क्या oral entry do not destroy the already circulating clotting factors. ये बाद में जो ऑलरेडी जितने अमाउंट में प्रेजेंट है वो तो काम कर ही देगा, जो मेंब्रेन वगैरह पल रहे थे वो क्या, वो जो इस बॉडी में एट अ सिचुएशन प्रोसेस चल रही है उसी को रोक रहे हैं, ठीक है, मगर ये नहीं, ये बाद में एक बाद के अमाउंट में करेगा. इसकी फार्माकोकाइनेटिक्स क्या रहेगी, और जब ओसीडी की बात है, ओरली ड्रग ओरली दे रहे हैं तो क्या वेपरिन इज कंप्लीटली एब्जॉर्ब्ड ओरली एंड 99% बाउंड टू प्लाज्मा प्रोटीन. एडवर्स इफेक्ट इसके भी वही सारे रहेंगे, हेमरेज मोस्ट कॉमन इज द मेन एडवर्स इफेक्ट, क्योंकि यही मैंने बोला ये ब्लड था ना, ब्लीडिंग इन द इंटेस्टाइन ब्रेन नोज एंड गम्स कैन अकर. इसका भी एंटीडोट क्या होगा, एंटीडोट सीधी सी बात है, वहां विटामिन के को कम कर रहे थे तो भैया विटामिन के को आप ज्यादा अमाउंट में दे दो, और क्या जो कम कर रहा है उसी को तो देना है, तो हमने बोला विटामिन के कम कर रहा है एंटीडोट में क्या विटामिन के ऑक्साइड विच अलाउ सिंथेसिस ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर, तो भैया विटामिन के खिला दो, खत्म बात, ऑटोमेटिक जो कम हुआ था वो बढ़ जाएगा. और क्या हो सकता है, एलर्जिक रिएक्शन, जीआईटी. अब देखो और जितने आपको याद है लिख दो, ओरली दे रहे हैं पूरी जीआईटी डिस्टर्बेंस होनी है. मैंने बोला है आपसे फार्मा में जिस रूट से आप दे रहे हैं उसके एडवर्स इफेक्ट आप सारे लिख के आओ. अब इसको मैं जल्दी जल्दी पढ़ूंगा क्योंकि सारे थेराप्यूटिक यूसेज में आपको पढ़ा चुका हूं. ये जो अभी तक मैंने थ्रोम्बस वाला पढ़ाया था वो पूरा वही लिखा है कि एंटीकोगुलेंट्स कैन प्रिवेंट एक्सटेंशन ऑफ द थ्रोम्बस बट cannot destroy the exiting clot. क्या ये thrombus को आगे बनने से रोक सकते हैं मगर जो already बन चुके हैं उनसे आप नहीं, उन्हें नहीं तोड़ सकते. heparin ये overall, ये therapeutic overall की बात हो रही है, ये oral वाले की नहीं हो रही है. अब जो therapeutic use कर रहे हैं वो सबका पढ़ रहे हैं, ठीक है, और most commonly अपन heparin का पढ़ेंगे. तो anticoagulant can prevent extension of the thrombus but cannot destroy the exiting clot. Heparin has rapid and short action which makes it suitable for kya? Initiating treatment. Initiating jo ekdam initiating treatment yani for surgery vera. While warfarin is suitable for long term maintenance due to its slow and prolonged action and convenience of oral use. To wo slow hai to uske liye aap particular jaise blood thinner aur in sab ke liye use aap kar sakte hain, balki heparin vera ko aap surgery ke liye use karte hain kyunki wo slow wo sorry fast hai aur short duration ke liye hai. प्लस आप इनको वेनस थ्रोम्बोस और पल्मोनरी एम्बोलिज्म को बनने से भी बनने से रोकना है, वही पॉइंट द्वारा लिखा है. तो एंटीकोगुलेंट्स प्रिवेंट एक्सटेंशन ऑफ थ्रोम्बस एंड रीअकरेंस ऑफ एम्बोलिज्म. प्रिवेंट, ध्यान रखना, ट्रीटमेंट वर्ड नहीं. ट्रीटमेंट वर्ड बोलेंगे तो वो उसके कॉम्प्लिकेशंस को रोकने के लिए ट्रीट कर रहे हैं. अब फिर वही बात फिर घुमा के लिख दी कि पोस्ट ऑपरेटिव पोस्ट स्ट्रोक पेशेंट बेड रिडन पेशेंट्स सारे के सारे पेशेंट ड्यू टू लैग फ्रैक्चर एंड अदर कॉसेस, तो उन सब में बहुत इजीली चांसेस है. तो वेनस थ्रोम्बोस और पल्मोनरी एम्बोलिज्म बनने के तो उनमें आप ये देते हैं, यानी सीधी सी बात पर्टिकुलर वो सारी चीजें जिसमें आप इमोबिलाइज होने वाले हैं, आप चल नहीं पाएंगे वो भी एक लंबे समय के लिए, तो उनमें डॉक्टर ये जरूर प्रिस्क्राइब करता है आपको, कौन से ओरल वाले जैसे वेपरिन. और पर्टिकुलर कहां बोले, रूमेटिक हार्ट डिसीज में. रूमेटिक हार्ट डिसीज में क्यों देते हैं, क्योंकि रूमेटिक हार्ट डिसीज में क्या होता है कि पर्टिकुलर जो एम्बोलिज्म में क्लॉट टूट के आके बनने ना पहुंच जाए ब्लड थिनर के लिए, रूमेटिक हार्ट डिसीज में होता है कि ब्लड के ब्लड पतला कर देते हैं तो इसीलिए उसको यूज करते हैं. अनस्टेबल एंजाइना, फिर एक एंजाइना वर्ड आया है, मैंने एक दो बार और डिस्क्राइब कर दिया, मैं फिर कर देता हूं. कुछ लोग एंजाइना को क्या समझते हैं, बोले चेस्ट पेन. अच्छी बात है, चेस्ट पेन इज अ सिम्टम ऑफ एंजाइना, चेस्ट पेन इज नॉट अ एंजाइना, ठीक है, हमेशा याद रखो. कोई भी चेस्ट पेन हुआ लोग एंजाइना वर्ड करते थे, एंजाइना को इस्केमिक चेस्ट पेन बोलते हैं, यानी क्या, इट इज अ टाइप ऑफ चेस्ट पेन कॉज्ड बाय द रिड्यूस्ड ब्लड फ्लो टू द हार्ट. तो अब आप समझ गए कि ब्लड फ्लो कम हो रहा है, ब्लड थिनर दे दो, ब्लड पतला हो जाएगा, पतला होगा तो इजिली जो फ्लो है वो बढ़ जाएगा. इसलिए हमेशा याद रखो कि चेस्ट पेन को एंजाइना नहीं बोलते, इट इज अ टाइप ऑफ चेस्ट पेन. तो पर आपसे पूछे व्हाट इज एंजाइना, चेस्ट पेन ड्यू टू रिड्यूस्ड ब्लड फ्लो टू द हार्ट. और इसमें सबसे मोस्ट कॉमन आपको दिखेगा ये कब, कि आपका जो पेन है वो लेफ्ट शोल्डर और पूरे के पूरे लेफ्ट अपर लिम पर उतर के आ रहा है, पूरे नीचे तक, है ना, पूरे नीचे तक, फिंगर्स तक इवन, तो पूरे के पूरे लेफ्ट अपर लिम है, ठीक है, हैंड्स फोरआर्म आर्म पर और शोल्डर पर उतर के आ रहा है, तो वो एंजाइना को ज्यादा अच्छे से डिस्क्राइब करता है. बाकी चेस्ट पेन तो कोई भी रीजन से, एंजाइटी हो तो चेस्ट पेन हो रहा है. मोस्ट कॉमन एसिडिटी,
आप कभी भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, क्लियर कर ही नहीं पाते एसिडिटी, तो उसमें एसिडिटी के पेन और इसके पेन में सबसे बड़ा डिफरेंशिएटिव होता है कि एसिडिटी का पेन कभी भी लेफ्ट आर्म में इतना उतर के नहीं आएगा। इसमें जो चेस्ट पेन अगर आपको हो रहा है हर्ट के रिस्पेक्ट में, तो आपका पेन लेफ्ट आर्म में जरूर उतर के आएगा। तो ये बहुत बड़ा पॉइंट होता है, घर पे कभी भी किसी की कोई चेस्ट पेन हो तो हमेशा पूछो कि लेफ्ट आर्म में उतर के आ रहा है क्या। अगर उतर के आ रहा है तो बिल्कुल इस मतलब फटाफट ट्रीट कराओ, भले कोई और रीजन हो सकता है, लेकिन अगर है तो फिर तब नहीं सोचना चाहिए, ठीक है। मायोकार्डियल क्या रिपेयरिंग रिड्यूस द रिस्क ऑफ मायोकार्डियल इंफेक्शन, यानी क्यों, क्योंकि ब्लड में हर्ट जो ब्लड में सॉरी क्या बोलो जो हर्ट है उसमें ब्लड कितना है उसका फ्लो कम हो गया है, तो आपको मायोकार्डियल इंफेक्शन हो सकता है। इंफेक्शन यानी कि ऑक्सीजन की कमी होना हर्ट में, तो आप ये ब्लड थिनर है ये क्या कर देगा, ये ब्लड पतला हो जाएगा, तो वही ब्लड अगर पतला हो गया तो एक्सेसिव अमाउंट में पहुंचने लग जाएगा। वैस्कुलर सर्जरी, जब आप आर्टिफिशियल हार्ट, अब देखो सर्जरी कोई भी हो, हीमोडायलिसिस हो, कुछ भी हो, इनको जरूर देना है। कॉन्ट्राइंडिकेशन कहाँ नहीं देना, ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स में नहीं देना, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया में नहीं देना, सीवियर हाइपरटेंशन में देना, लीवर किडनी डिसीज, कोई बैक्टीरियल एंडोकाइटिस, यानी कि बैक्टीरियल एंडोकाइटिस क्या होता है, इन्फेक्शन ऑफ द आउटर लेयर ऑफ द हार्ट, जो हर्ट की लेयर होती है उसमें उसमें उसका क्या इंफ्लामेशन हो जाता है, इंफेक्शन हो जाता है बैक्टीरिया की वजह से, वहां नहीं देते वरना वो ट्रेवल कर जाएगा। मैलिग्नेंसी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैलिग्नेंसी क्यों नहीं, क्योंकि अगर किसी को मैलिग्नेंट कैंसर है, बिनाइन नहीं, मैलिग्नेंट जो फैलता है और उसमें आपने दे दिया और बैक्टीरिया और क्या ब्लड पतला होगा तो वो और ट्रेवल करवा देगा सब जगह, तो वहां भी इसको देने से हम बचते हैं। इन सारी चीजों में इसको कॉन्ट्राइंडिकेट किया जाता है, बाकी सब में हम इसको देते हैं। दैट्स ऑल अबाउट फॉर टुडेज लेक्चर।